भरोसा है, विश्वास है हमारी टीम पर, साथ बनाम साथ कर क्या सेमीफाइनल में पहली टीम बनेंगी विश्व कप 2023 की अपनी जगह पक्की करने के लिए। भारत बनाम श्रीलंका है मैच नंबर 7 भारत के लिए, श्रीलंका के लिए डू और डाई सिचुएशन। आज हार गए यानी टूर्नामेंट से बाहर। मैदान हरा है, भीड़ से भरा है, वानखेड़े की बात है। मुंबई कर हमारे साथ हैं संदीप पाटिल जी, नमस्ते। और मोंटी पानेजर हमारे साथ हैं। आज श्रीलंका को बैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जी? श्रीलंका, मैं श्रीलंका के साथ हूं आज। हो गया हो गया। मुरली भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, दोनों देखेंगे श्रीलंका की जीत होगी। जीत होगी। वर्ल्ड कप की शुरुआत से जिस टीम को इन्होंने बैक किया है वो उन्होंने वापस जाने का तय किया है। शुरुआत इंग्लैंड से ही हो गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन आज के मैच में संदीप जी अगर एक बात कहें तो कुछ पृष्ठभूमि भी है इसकी कि एशिया कप के फाइनल में जो हार मिली श्रीलंका को, उसके बाद क्या श्रीलंकाई टीम वानखेड़े में कुछ कर सकती है? और ये वही वानखेड़े हैं जहां 2011 में हम जानते हैं क्या हुआ। देखिए 2011 तो भूलना चाहिए, एशिया कप भी मैं चाहूंगा कि भूलना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट का इतना खतरनाक खेल है। जो टीम उस दिन अच्छा प्रदर्शन करती है उसी की जीत होती है। हमने इस वर्ल्ड कप में भी देखा है, अफगानिस्तान देखो, नेदरलैंड देखो, किसी ने सोचा नहीं था कि वो वर्ल्ड कप में ऐसा कारनामा करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो धुलाई श्रीलंका की हुई थी एशिया कप में उससे काफी सीख ली होगी श्रीलंका टीम ने, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। और यहाँ इस मैच में जैसे आपने कहा कि 2011 का वर्ल्ड कप, धोनी का वो लास्ट छक्का, ये चीज हम भूल नहीं सकते। और कल ही हमने देखा कि सचिन के स्टैचू का अनावरण हुआ है, तो काफी चीजें हैं। बंबई मेरी जान, आज कुछ करना। हाँ, लेकिन जहाँ हम बैठे हैं दिल्ली में और जहाँ अमृत हैं मुंबई में, वहाँ सांस की दिक्कत है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अभी वातावरण कैसा है, सांस लेने लायक है? जो रूट और रोहित शर्मा, सबको दिक्कतें हुई थी सांस लेने में। अमृत बढ़िया, फियरलेस का टी शर्ट तो पहना है, अब फियरलेस कौन है, भारत या श्रीलंका? नो डाउट है इसमें, आनंद टीम इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी हमने जीत का छक्का लगा दिया है, आज 7वीं जीत दर्ज करने के लिए मुंबई का वानखेड़े, ये वही ऐतिहासिक मैदान आनंद, आप भी नहीं भूल सकते हैं, कोई भारतीय नहीं भूल सकता है। एमएस धोनी का छक्का और दूसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमारे पास, पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी विनर टीम के तो खिलाड़ी बैठे हुए हैं आपके साथ, संदीप पाटिल सर, एमएस धोनी साहब दूसरे, और अब ये जो कह रहे हैं ना मुंबई कर, भैया क्या लग रहा है, क्या होगा आज? इंडिया विन होगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया इंडिया। एक कपिल देव थे, दूसरा एमएस धोनी, तीसरा क्या, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। देखिए देखिए, मुंबई का लड़का है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इज अ बॉम्बे बॉय, और मुंबई में मुंबई के लड़के से उम्मीद तो होगी कि वो जीते। अभी दोनों कप्तान पहुंच चुके हैं टॉस के लिए। वानखेड़े के बारे में जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा कौन बता सकता है, तो आप ही बताइए वानखेड़े में क्या करना चाहिए। कहते हैं रन फेस्ट होगा, तो पहले बल्लेबाजी की जाए, गेंदबाजी की जाए, टॉस का बॉस बहुत मुश्किल इंपॉर्टेंट है, संदीप पाटिल जी बताइए। नहीं देखिए, पिछले मैच में भी पहले बल्लेबाजी करके मैच जीते हैं हमने, वो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम तो अच्छे चेजर ही, ये तो मुझे बोलने की ये नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज अगर टॉस जीते या टॉस हारे भी और अगर बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बैलेंस होता है फिर। हाँ। यू नो, आगे जो बड़ी मैचेस होने वाली है, सेमीफाइनल की बात हो जाए, फाइनल की बात हो जाए, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए जो आपको चाहिए, यू नो, हमारी गेंदबाजी ज़बरदस्त हो रही है, हमारी बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, कप्तान ने जो डिसीजंस लिए हैं, जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है, वो अच्छा जो सिलसिला चालू है, जो विजय रथ रोहित शर्मा और इंडियन टीम का आगे बढ़ रहा है, वो इसी रफ्तार से और आगे बढ़े। मोंटी पाने सर, आपको क्या लगता है, कुशाल मेंडिस स्टैंड इन कैप्टन है क्योंकि दर्शन चानका इंजर्ड हैं, उनको जाना पड़ा, एंजेलो मैथ्यूज अब मिक्स में आए हैं, अब श्रीलंका ने टॉस जीत लिया, खबर ये इस वक्त आ रही है कि श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है, तो टॉस जीतने के बाद क्या फैसला लेगी ये अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन मोंटी, आपको क्या लगता है कि श्रीलंका में थोड़ा सा अनसेटल्ड दिख रहे हैं? देखिए अफगानिस्तान से हार गए वो। या श्रीलंका लोग ऐसी टीम है ना, जो क्रिस वुड होंगे वो ऐसे समझाएंगे दैट लोग 12 साल पहले आप फाइनल में ऐसे खेले थे, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करो, कोई मेमोरी अच्छी तरह से क्रिएट करना। जब हम एक बार देखते हैं जो
एंजेलो मैथ्यूज इंडिया की बैटिंग है, श्रीलंका की बैटिंग है, इंडिया की बैटिंग, अच्छा इंडिया की बैटिंग है, भारत की बैटिंग है जी, काफी इंटरेस्टिंग। वही जो संदीप पाटिल सर चाहते थे, संदीप सर चाहते थे कि भारत पहले बल्लेबाजी करे। देखिए इंग्लैंड के खिलाफ तो हमारे गेंदबाजों ने अच्छा डिफेंड किया, टोटल पस्त कर दिया 129 में। आनंद, आई एम क्रॉसिंग माय फिंगर्स, जो भी बात मैंने पहले मैच से की है, जो भी आशंका जताई है वो अभी तक तो एकदम इस पर तो सही आपको कहना चाहिए सर। आपका एक्यूमेन ऐसा है ना, देखिए 2003 में किनिया की टीम को सेमीफाइनल पहुंचाने वाले यही शख्स हैं, याद रखिएगा। उस वक्त दादा चमक गए तो किनिया के का रास्ता वहां फाइनल तक रुक गया था, वो अलग है, तब वो कोच थे, फिर बतौर चीफ सेलेक्टर आपने बढ़िया टीमें चुनी है हमारे लिए। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आज आपको लग रहा है फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही टीम निर्भर होगी, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो चमक रहा है, और आज आपको लग रहा है विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के 49 ओडीआई सेंचुरीज का वो आंकड़ा बराबरी कर पाएंगे? अरे 140 करोड़ लोग वही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, पूरी क्रिकेट जगत चाहता है, लेकिन वो होने के लिए उसको पैर जमाने होंगे। हाँ। हमने देखा कि किस तरह का एक खराब शॉट पिछले मैच में विराट कोहली ने खेला था, और उससे मुझे यकीन है कि पूरा एक हफ्ता उसके बाद वो सोया नहीं होगा। इसलिए यू नो विराट कोहली का आज बहुत देखना होगा कि किस तरह का रुख वो अपनाता है। जी। और रही बात, क्या हम सिर्फ निर्भर रहते विराट और रोहित के ऊपर, ये बात नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव ने अच्छी पारी की है, खेली है, केएल राहुल ने अच्छी पारी खेली है, मैं चाहता हूं कि शुभमन गिल जो अब तक चमका नहीं है उसकी भी गाड़ी निकल पड़े। मैं शुभमन गिल पर ही आपसे पूछना चाहता था। मोंटी पाने सर, आपको लगता है कि शुभमन गिल वो नहीं डिलीवर कर पाए जो उनसे उम्मीद है? शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दो लोग हैं, शुभमन गिल पहले दो मैच नहीं खेले, हार्दिक पांड्या पिछले दो मैच नहीं खेले, अब लग रहा है कि इंडिया के लास्ट लीग मैच नेदरलैंड्स तक वो फिट नहीं होंगे, लेकिन बावजूद इसके टीम का बैलेंस आपको लग रहा है कि एडमिरेबल हो गया है, कि बल्लेबाज ऐसे निकल के आए कि दो नहीं चले कोई बात नहीं बाकी चला लेंगे? आई थिंक भारत का ये एक कमी है, बिकॉज शुभमन गिल जो बढ़िया गेमों में ना वो चलते नहीं है, प्रेशर वो संभाल नहीं सकते, एंड आज भी यू नो श्रीलंका ने बॉलिंग क्यों पहले की है, बिकॉज जो श्रीलंका के दो ओपनिंग बॉलर्स हैं ना वो सबसे ज्यादा स्विंग यो दोनों की अभी हो रही है, लेफ्ट आर्मर की और राइट आर्मर की, एंड जैसे शुभमन गिल खेलते हैं बायलैटरल सीरीज में अच्छा खेलते हैं, बट ये बड़ियों गेमों में ना घबराहट हो जाती है, अग्रेसिव शॉट खेलेंगे, पैर इतने हिलाते नहीं है, एंड वो क्रिस वुडवर्ड है ना वो ये चाहेंगे रोहित शर्मा पहले 10 ओवर में आउट हो जाएं, बिकॉज उसका स्ट्राइक रेट 135 अभी है पहले 10 ओवरों में, सो ये दोनों निकल चटका देंगे ना ये दोनों बैट्समैन को, फिर भारत के ऊपर बहुत प्रेशर होएगा, खेल रहा नहीं है में तो आउट हो रहा है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पे शमी आते हैं या फिर वहां पर जाके ये टेल शुरू हो जाता है भारतीय टीम का अगर आप देखें। चलिए सीधा अमृत आनंद के पास चलते हैं। अमृत, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली पर ही आज टीम फिर से निर्भर होगी या फिर आज शुभमन के बल्ले से कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा? श्रेयस अय्यर पर भी उनका भले ही एवरेज ठीक ठाक है लेकिन प्रेशर होगा, क्योंकि हार्दिक की वापसी, श्रेयस अय्यर का बेंच होना, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा क्योंकि शमी ने दो मैचेस में 9 विकेट लेकर कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि उनके बिना ये टीम खाली लग रहा था? जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद शमी वाकई बहुत कमाल के गेंदबाज, इसमें कभी से कोई डाउट रहा नहीं था, और जहां तक बात रही तो मुंबई कर यही कह रहे हैं कि भैया आज देखो टॉस भी हम हार गए हैं, पहले बल्लेबाजी आ गई है तो ऑप्शन हमारे पास ज्यादा हो गए शतकों के, यानी रोहित शर्मा होम ग्राउंड है वो शतक मारेंगे, विराट कोहली जिनके शतक का इंतजार हम कई दिनों से कर रहे हैं उनका शतक आएगा, और आज गिल का बल्ला हो अय्यर का बल्ला हो आज चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपको अगर वर्ल्ड कप में जीत का मेंटेन करना है, यानी आपको ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज जैसी दो टीमें हैं जो अनबिटन रही हैं उनकी तरह रहना है तो क्या खेलना होगा। सर आनंद, मैं एक मिनट लूंगा आपसे यहाँ पर जी। आपने एक गाना लिखा टीम इंडिया के लिए, वो क्या गाना है? हिटमैन निकले वो अपनी फौज लेके, हो हिटमैन निकले वो अपनी फौज लेके मैदान पर, क्रिकेट की पिच पर बड़ी बड़ी टीमें आई, टीम इंडिया ना किसी से रुक पाई, हिटमैन के छक्के देखे, हिटमैन के छक्के देखे, कोहली शतक पे शतक है ठोक रहे, सुमन गिल के संग मिल करके, राहुल अय्यर रन है जोड़ रहे, मैदान पर
अपना सूर्या तूफान मचाए, टीम इंडिया ना किसी से रुक पाए, हिटमैन निकले अपनी फौज ले। आनंद आप समझ गए होंगे कि हिटमैन फौज तैयार है श्रीलंका के पास।